हे गाइस, वेलकम बैक टू रघुवंश क्लासेज। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम अपने वोकैबुलरी सीरीज के फर्स्ट वीडियो लेक्चर को डिस्कस करेंगे, जिसमें मैं आपके साथ पांच ऐसे वर्ड्स को शेयर करूंगा जो कि आज मेडिकल स्पेशलिस्ट से रिलेटेड होने वाले हैं। सो मेडिकल स्पेशलिस्ट की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हम डॉक्टर्स की बात कर रहे हैं, और सभी डॉक्टर किसी ना किसी ऑर्गन्स के स्पेशलिस्ट होते हैं। तो जनरली आज हम आपको उन्हीं डॉक्टर्स के प्रोफेशन के बारे में बताएंगे, मतलब मैं आपको आज पांच मेडिकल स्पेशलिस्ट के बारे में बताऊंगा। सो हमारी लिस्ट का जो फर्स्ट स्पेशलिस्ट है, दैट इज स्किन स्पेशलिस्ट। अगर हमें स्किन से रिलेटेड कोई डिजीज होता है तो हमें किस डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, या फिर जो वैसे डॉक्टर जो कि स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करते हैं, क्योर करते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं। तो गाइज, जो डॉक्टर स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम को ठीक करता है, क्योर करता है, उसे हम लोग बोलते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट। ये जो वर्ड डर्मेटोलॉजिस्ट है, ये दो वर्ड्स से मिलकर बना हुआ है जनरली। फर्स्ट इज डर्मा, ग्रीक वर्ड है एक, जिसका मतलब होता है स्किन, और लॉजिस्ट का मतलब होता है एक्सपर्ट इन दैट फील्ड। सो अगर इस तरह देखें तो डर्मेटोलॉजिस्ट का मतलब हो जाता है कि स्किन के फील्ड में एक्सपर्ट, मतलब स्किन रिलेटेड डिजीज अगर आपको होती है तो उसको कौन ठीक करता है? डर्मेटोलॉजिस्ट ठीक करता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि डर्मेटोलॉजिस्ट किसे कहा जाता है। और मैंने यहाँ पर बहुत सारे इमेजेस भी लगा कर रखे जिससे कि आपको एक विजुअल मीनिंग पता चल सके कि हम किसकी बात कर रहे हैं। अब नेक्स्ट स्पेशलिस्ट की बात करें तो वो होते हैं बोन्स स्पेशलिस्ट, मतलब जो वैसे डॉक्टर जो हमारे बोन्स रिलेटेड प्रॉब्लम को रिजॉल्व करते हैं या फिर उनको क्योर करते हैं। सो गाइज, जो ऑर्थोपेडिस्ट होते हैं, आपको प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान देना है, क्योंकि अगर इंग्लिश में आप प्रोनाउंसिएशन सही से कर रहे हो तो आपकी जो इंग्लिश होगी वो सुनने में भी अच्छी लगेगी और आपको बोलने में भी मजा आएगा। सो जनरली जो एक ऑर्थोपेडिस्ट होता है, उनका काम होता है हमारे बॉडी के स्केलेटल स्ट्रक्चर के साथ, या फिर हमारे बोन्स में कोई फ्रैक्चर है, या फिर हमारे स्पाइन में कोई कर्वेचर है, मतलब कर्वेचर का मतलब होता है टेढ़ापन। तो अगर हमारे स्पाइन में, हमारी रीढ़ की हड्डी में कोई टेढ़ापन है, या फिर हमारे बोन्स में फ्रैक्चर्स हैं, तो उनको कौन डील करेगा, उनको कौन ठीक करेगा? तो उनको ऑर्थोपेडिस्ट क्योर करता है, ठीक करता है। सो दोस्तों, हमारा जो नेक्स्ट मेडिकल स्पेशलिस्ट है वो फीमेल ट्रबल्स के साथ डील करता है या फिर करती हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे डिजीजेज होते हैं फीमेल को जो कि वो एक नॉर्मल डॉक्टर के साथ शेयर नहीं कर सकती, ठीक है, या फिर उनके साथ अपने प्रॉब्लम्स को शेयर करने में हिचकिचाती हैं। तो इसके लिए फीमेल ट्रबल्स को ठीक करने के लिए जो डॉक्टर्स होते हैं, स्पेशलिस्ट होते हैं, उन्हें हम लोग गिनेकोलॉजिस्ट बोलते हैं। जनरली हिंदी में इसे बोले तो स्त्री रोग विशेषज्ञ। ये डॉक्टर्स वैसे होते हैं जो कि मेडिकल केयर ऑफर करते हैं एक औरत को, जो फीमेल पेशेंट होती हैं वो बिना डरे बेझिझक अपने प्रॉब्लम्स को डॉक्टर के साथ शेयर करती हैं, जिससे होता क्या है कि उन्हें एक प्रॉपर मेडिकल केयर मिल पाता है, प्रॉपर इलाज मिल पाता है, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। सो औरतों से संबंधित जो बीमारियां होती हैं उनके लिए जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर होता है उसे हम लोग गिनेकोलॉजिस्ट बोलते हैं। सो अगर हम मेजोरिटी की बात करें तो ज़्यादा से ज़्यादा जो गिनेकोलॉजिस्ट होते हैं वो लेडीज़ होती हैं, क्योंकि उनको लेडीज़ के साथ डील करना होता है। एक वुमन जो होती है वो दूसरे वुमन के साथ अपने प्रॉब्लम को बेझिझक शेयर करती है ताकि उनके डिजीजेस का कम्प्लीटली इलाज किया जा सके। सो इन अदर वर्ड्स, जो स्त्री रोग विशेषज्ञ होते हैं जो कि मेडिकल केयर ऑफर करते हैं एक वुमन को, एक औरत को, उन्हें हम लोग बोलते हैं गिनेकोलॉजिस्ट। सो गाइज, हमारा जो नेक्स्ट मेडिकल स्पेशलिस्ट है, दैट इज रिलेटेड टू आर हर्ट, वो हमारे हर्ट से रिलेटेड डिजीजेज को ठीक करता है, और उसे हम लोग बोलते हैं कार्डियोलॉजिस्ट। कार्डियोलॉजिस्ट जो होता है वो हृदय रोग विशेषज्ञ को कहते हैं, मतलब दिस स्पेशलिस्ट ट्रीट्स द डिजॉर्डर ऑफ द हर्ट, मतलब अगर आपके हर्ट में कोई डिजॉर्डर होता है या फिर कोई प्रॉब्लम होता है उसे, और सर्कुलेटरी सिस्टम में अगर कोई प्रॉब्लम होता है उसे, ये डॉक्टर्स ठीक करते हैं। सो एक कार्डियोलॉजिस्ट का क्या काम होता है, आप यहाँ इमेज से भी समझ सकते हैं। जनरली उनका काम होता है सर्कुलेटरी सिस्टम और हर्ट से रिलेटेड कोई डिजॉर्डर है, कोई डिजीज है, उसको ठीक करना। सो गाइज, हमारा जो नेक्स्ट स्पेशलिस्ट है वो हमारे ब्रेन से रिलेटेड है, मतलब अगर आपके ब्रेन में कोई डिजॉर्डर है या फिर मेंटल डिस्टरबेंस चल रहा है किसी के ब्रेन में, सो वो किसको कंसल्ट करता है? एक साइकियाट्रिस्ट को कंसल्ट करता है, जिसे हम लोग हिंदी में मनोचिकित्सक बोलते हैं। सो साइकियाट्रिस्ट जो होते हैं ये ऐसे स्पेशलिस्ट होते हैं जो कि मेंटल डिस्टरबेंस, मेंटल डिजॉर्डर या फिर किसी के दिमागी हालत को ठीक करने की कोशिश करते हैं,
और बहुत सारे टेक्निक्स का भी यूज़ करते हैं। इवन ये सबसे खतरनाक प्रोफेशंस में से एक है, क्योंकि आपके सामने अगर कोई एक ऐसा इंसान बैठा हो जिसको मेंटल डिसऑर्डर हो, ठीक है, वो आदमी को आदमी ना समझे, उस पर अटैक कर दे, तो फिर ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होता है। एंड साइकियाट्रिस्ट को क्या करना होता है, इन्हीं के साथ डील करना होता है, उन्हें ठीक करना होता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।